ये रिश्ता क्या कहलाता है अपनी चौथी जनरेशन लीप में आ चुका है। शो में अक्षरा की बेटी अबीरा की नई कहानी दिख रही है। लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि शो को शुरू हुए 14 साल तो हो चुके हैं लेकिन इसमें 77 साल की कहानी दिखाई जा चुकी है। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है क्या प्रीमियर 2009 में शुरू हुआ था, क्योंकि शो किसी खास कहानी पर बेस्ड नहीं था और शो में शादी ब्याह के घर में आसान और सिंपल सी कहानी को ही दिखाया गया। 2009 के बाद से ये शो लगभग 10 बार लीप ले चुका है। 14 साल में 10 बार लीप लेने के बाद इसमें लंबा अरसा दिखाया जा रहा है। आप सोच भी नहीं सकते कि इतने लीप के बाद शो को देखा जाए तो इसमें 77 साल के बाद की कहानी दिखाई जा रही। और ये बात हम आपको थोड़ा डिटेल में भी समझाते हैं कि कैसे कहानी 77 साल बाद की दिख रही। देखिए, शो की शुरुआत अक्षरा से हुई और 4 साल का लीप लेते हुए दिखाया गया कि अक्षरा और नैतिक विदेश में फंस गए। नक्श अक्षरा और नैतिक के बेटे को दिखाने के लिए शो में फिर से 10 साल का लीप लाया गया। अंत में 17 साल की छलांग के बाद अगली पीढ़ी नायरा पर आई, जिसे शिवांगी जोशी ने अक्षरा की बेटी के रूप में निभाया। इसके बाद तीसरी पीढ़ी आरोही और अक्षरा के साथ आती है। इस लीप में अक्षरा का किरदार प्रणाली राठौर ने निभाया। और आखिरकार 22 साल का एक और लीप आया और इस कहानी को स्मृति शुक्ला, अभिरा शर्मा बनकर आगे बढ़ा रही हैं। अब अगर आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है कि टाइमलाइन देखनी है तो साफ है कि शो अपने 77 साल की कहानी दिखा चुका है। वैसे देखा जाए तो मेकर्स के पास कहानी दिखाने के लिए कुछ रह नहीं गया है, बल्कि जनरेशन लीप लेकर इसमें कुछ भी ट्विस्ट देने की कोशिश की जा रही है। बल बेशक शो की कहानी लीप के साथ सालों आगे बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि शो इतने सालों के बाद भी जनता का फेवरेट शो बना हुआ है और आज भी लोग इस शो के स्टार्स और कहानी के बदलने के बाद भी बड़े ही चाव से इसे देखते हैं।